चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजित किया गया। दरअसल ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर मनाने का फैसला लिया गया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस आयोजन को अमली जमा पहनाते नजर आएंगे। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद अमली जामा पहनाने का फैसला लिया है। वहीं 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर से आए लोगों को विभाजन की विभीषिका में बलिदान देने वालों के बारे में अवगत भी कराया जाएगा। ये दिवस उन सभी लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पर है जिन्होंने विभाजन के समय अपनी जान गंवाई या अपने घरों को छोड़ा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश जब आजाद हुआ था तब एक ओर जहां खुशी थी तो वहीं दूसरी ओर देश को बंटवारे का भी झेलना पड़ा। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि विभाजन साधारण नहीं था और कोई विभाजन साधारण नहीं होता, लेकिन भारत का मामला और भी दर्द भरा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को इस दिन के माध्यम से याद दिलाया जाएगा कि देश की आजादी के जश्न से पहले हमें उस दिन को भी याद करना चाहिए जिन्होंने आजादी दिलाने के लिए पीड़ा और दर्द भी झेला था। इसी याद को बनाए रखने के लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विभाजन विभीषिका स्मारक बनाए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। इस स्मारक पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मानवीय कार्य के लिए पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट ने 25 एकड़ भूमि सरकार को दान में देने की घोषणा की है। ऐसा ही एक स्मारक फरीदाबाद के बड़खल में बनाया गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि सामाजिक एकता के सूत्र टूटते हैं तो देश भी टूट जाया करते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को मनाने की घोषणा इसी उद्देश्य से की थी कि हर भारतीय इस दिन को याद कर राष्ट्र की एकता के प्रति प्रेरित और समर्पित। ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा। इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। आपसी एकता बढ़ेगी तो वैमनस्य अपने आप दूर होगी। वहीं मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति हमें वसुधैव कुटुम्बकम का पाठ पढ़ाती है। हमें जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।